आदिशक्ति माँ बाराही देवी उत्तरी भवानी के नाम से भी विख्यात हैं। वट पक्ष का दूध लौटाती है आंखों की रोशनी। मान्यता है कि माता के दरबार में माथा टेकने से हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर में सैकड़ों साल पुराना एक वट वृक्ष है जिसके दूध मात्र से खोई हुई आंखों की रोशनी वापस आ जाती। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए दिव्य मंदिर जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मगर हम आज उस चीज़ों के बारे में बताएंगे और आगे आपको दिखाएंगे भी। तो उस मंदिर के बारे में तो मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर आगे लोगों से पूछेंगे तो भैया लोगों से पूछेंगे तो उनको बताएंगे। आगे चलते भी और दिखाते हैं आपको। तो जय माँ दादी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर के विषय में बात करेंगे जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य है। ये मंदिर सभी को नहीं पता है दोस्तों, तो आज इसी मंदिर के विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह पड़ता है मंदिर गोंडा के ज़िले में। तो दोस्तों, ये गोंडा का ये मंदिर पूरी करता है सबकी मुरादें। वट वृक्ष दूध लौटाता है आँखों की रोशनी। मान्यता है कि माता के दरबार में माथा टेकने से सबकी होती है मुरादें पूरी। यह मंदिर हिंदुओं के आस्थाओं के साथ साथ मुसलमानों की आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर से सैकड़ों साल पुराना एक वट वृक्ष है जिसे दूध के मात्र से ही आँखों की रोशनी वापस आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, गोंडा के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित तरबजगंज तहसील के सुकूर क्षेत्र के मखदूमपुर शक्तिपीठ बाहरी देवी का मंदिर है। यह मंदिर नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु के दर्शन को पहुंचते हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में माथा टेकने से हर किसी की होती है मान्यता पूरी। यहां मंदिर हिंदुओं के आस्थाओं के साथ मुसलमानों के आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। वही वाराही देवी मंदिर पर सैकड़ों साल पुराना एक वट वृक्ष है जिसके वट वृक्ष छाया पूरे मंदिर में कवर करते। तो दोस्तों, मंदिर को लेकर के दो कथाएँ प्रचलित हैं। एक कथा में कहा गया है कि किंवदंती वराह पुराण के अनुसार जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यक्षत ने का पूरा पृथ्वी पर अधिपत हो गया था, ऐसे में हिरण्यक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु को वराह का रूप धारण करना पड़ा था। भगवान विष्णु ने जब पाताल लोक पहुंचने के लिए शक्ति की आराधना की तो मुखदूमपुर में सुकनई नदी के तट पर माँ भगवती वाहरी देवी माँ के रूप में प्रकट हुई। इस मंदिर में स्थित सुरंग में भगवान वराह पाताल लोक जाकर हिरण्यक्ष का वध किया था, जिसके बाद यह मंदिर अस्तित्व में आया। मंदिर के स्थापित माता वाराही देवी को कुछ लोग उत्तरी भवानी के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी कथा यह बताया गया है कि माता सती का यहाँ जबड़ा गिरा था, जिस वजह से ये सिद्धपीठ मंदिर कहलाता है। तो दोस्तों, आगे बताते चलते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी? पुजारी राघव दास और योगेंद्र दास बताते हैं कि मंदिर में सुरंग आज भी सुरक्षित है। सुरंग के ऊपर बने अंधेरे में दिन रात दीपक जलता रहता है। नवरात्र माह में मंदिर प्रतिदिन अलग अलग रंगों में सजाया जाता है। माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये सफ़र कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो जैसे कि मंदिर में आप ये दोस्तों देख सकते हैं, थोड़ा आपको मंदिर का भी दर्शन करा ही देते हैं दोस्तों। ये देखिए अंदर का पूरा दिव्य दृश्य। आगे ले चलते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यही वो वट वृक्ष है। इसमें मान्यताओं के अनुसार कितने लोगों ने अपने जैसे भी सदा हो काले धागे जो भी इंसान के जैसे भी मत पड़ा उसने बांध दिया। तो दोस्तों, जैसे भी देख सकते हैं आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, जिसलिए हम लोग ऐसे दिन पहुँचे वहाँ मंगल और शुक्र को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों। तो जैसे कि मंदिर का प्रांगण है, अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा पक्ष है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं,
तरह से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ की क्या कुछ मान्यताएं, कुछ ऐसी कुछ भी मान्यताएं जानी जाती है कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, तो उसके विषय में कुछ बता सकते हैं? जी यहाँ पे सुरंग है, उसी सुरंग की पूजा होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ष है, बहुत मतलब पर घेरे हुए है, उसकी धूप डालने से जिसकी आँख की रोशनी चली जाती है पुनः वापस आ जाती है। अगर माता की ज्योति जल्दी उसके काजल से भी आँख की रोशनी वापस आ जाती है। यहाँ कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि जो एक बार दर्शन मात्र से पूरी ना होती थी। तो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, नेपाल से आसाम से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन। जी तो ये इसका स्थापत क्या, स्थापत कुछ कुछ है मतलब कब स्थापित हुई थी आपको? नहीं तो स्थापित की कोई बात ही नहीं है, तो माता जब सती का धड़ ले जा रहे जी तब इसको वही उसी का धड़ गिरा था, ये जबड़ा गिरा था तो सीधा पाताल चला गया। जी जी ठीक, यही जान धन्यवाद।